तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, हाँ, मेन जो स्मार्ट सिटी है वो कैसा दिखता है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ इसी रोड पे, और ये जो है अभी मैं हैदराबाद में हूँ, और ये हाईटेक सिटी से होते हुए आज मैं दुर्गम चेरू ये सब सारा लेक में दिखाऊँगा, फिर मेट्रो स्टेशन दिखाऊँगा। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों आप मुझे ये वीडियो में ज़रूर बताएं कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। अभी जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये सबसे पुराना आईटी बिल्डिंग है जो हैदराबाद का, आप देख सकते हैं बहुत सारा फिल्मों में वो देखा होगा आपने। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है मेट्रो स्टेशन है, और ये जो मेट्रो स्टेशन है आप देख सकते हैं, ये जो लाइनें दिख रही है इस पे ऊपर में मेट्रो चलती है, और सामने जो देख सकते हैं वो स्टेशन है। ये है हाईटेक सिटी स्टेशन, यहाँ से सिकंदराबाद, दुर्गम चेरू और भी जगह हैं जो बहुत सारे जगहों पे ये जाती है, जो कि यहाँ का सिडनी इंटरनेशनल स्टेडियम है वो सारे जगह पे मेट्रो जाती है। तो देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से इसको बनाया गया है, और काफ़ी खूबसूरत लगता है दोस्तों। वाकई में लगता है कि हाँ ये एक डेवलप सिटी है। और देख सकते हैं ये जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ, ये सारे जो लाइनें हैं वो पूरी लाइनें जो है वो ये मेट्रो की है। ये देख सकते हैं ये सारा लाइनें जो है मेट्रो की, और कितना क्लियर तरीके से इसको क्लीन बनाया गया दोस्तों। काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं, और देख सकते हैं बीच में जो है फूल भी लगाया गया है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं हाईटेक सिटी से आगे, और जा रहे हैं दोस्तों दुर्गम चेरू जो लेक है उस वहाँ पर। और इधर देख सकते हैं दोस्तों, कितनी बड़ी यहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया है। ये देख सकते हैं दुर्गम चेरू लेक का ये ब्रिज है, और ये काफ़ी बड़ा है दोस्तों। और यहाँ पे मेन था दोस्तों, ये जो पहाड़ था, ये पहाड़ों को, ये देख सकते हैं लेक है, ये पहाड़ों को तोड़कर और ये सारा कंस्ट्रक्शन किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा मस्त बिल्डिंग बनाया गया, काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। और यहाँ पर अभी तो थोड़ा दोपहर का टाइम है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी भीड़ नहीं है, लेकिन जैसे ही शाम होता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग पहाड़ों का मज़ा लेने आते हैं, और काफ़ी शानदार दिखता है। बगल में आप देख सकते हैं ये जंगल भी है थोड़ा सा, और सामने में भी आप देख सकते हैं वहाँ पे भी एक बड़ी सी बिल्डिंग है वो देख सकते हैं, और सामने देख सकते हैं ये पहाड़ है। इस तरह का ये पहाड़ था, ये सारे पहाड़ को तोड़कर पूरा इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। अभी चलिए मैं दिखाता हूँ, जो आपने साउथ के फिल्मों देखे होंगे उसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखते होंगे, ये सारे बिल्डिंगें इधर कहीं सूट होता है। तो चलिए दिखाते हैं ये बिल्डिंगें कैसी हैं। ये देख सकते हैं सामने मैं अभी इंटर कर रहा हूँ, यहाँ से आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग भी होती है। कुछ फिल्मों की शूटिंग तो आपको फिल्म सिटी में ही होता है, लेकिन बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग जो है वो यहाँ पर होती है। और देख सकते हैं सामने में बड़ी बड़ी सी बिल्डिंगें, अपार्टमेंट्स, बहुत सारे कंपनियों का यहाँ पर बिल्डिंग है। वाकई में दोस्तों यहाँ पे आने के बाद लगता है कि हाँ हम कोई बड़े से मतलब हाँ स्मार्ट सिटी में घूम रहे हैं। ये देख सकते हैं ये भी सातवां का बनाया हुआ है, और सामने में देख सकते हैं ये अपार्टमेंट्स काफ़ी शानदार लग रहा है दोस्तों। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है ये, और ये सारे जगह दोस्तों यहाँ पर पहाड़ था, वो पहाड़ को काट कर यहाँ पर बनाया गया है। देख सकते हैं ये जो बिल्डिंगें हैं वो आप बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा, साउथ के फिल्मों में ये सारे जो फिल्में हैं इधर ही शूटिंग होती है। और ये देख सकते हैं सामने भी आपको पहाड़ देख रहा होगा कि वो एक वहाँ पे बिल्डिंग है। चलिए चलते हैं इस रास्ते से ही, और आपको आगे चल के दिखाता हूँ कितना शानदार तरीके से सारे पहाड़ को काट काट कर बीच में रास्ता बनाया गया है। और ये जो सारे बिल्डिंगें बने हुए दोस्तों, ये सारे पहाड़ पर ही बनाया गया है, और वाकई में काफ़ी स्मार्ट सिटी है, और स्मार्ट के साथ साथ खूबसूरत भी है। बट हाँ, यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, मतलब खाने पीने के चीज़ें जो है वो काफ़ी महंगी है। मतलब आप और जगह से कंपेयर करें तो काफ़ी महंगी है, लेकिन हाँ खूबसूरत है देखने में भी। और मुझे ये ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो ये कैसा लगा, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं, और जिसका नोटिफिकेशन आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। देख सकते हैं ये भी एक
शानदार बिल्डिंग बना हुआ है जो कि ये दिव्या श्री अपार्टमेंट का है। यहाँ पे बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं उन्होंने अपना अपना पूरा कंस्ट्रक्शन का बनाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इधर से कितना शानदार लग रहा है यहाँ पर। तो इस ब्लॉग में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ।